नमस्कार, कठपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूँ आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। आज हम बात करेंगे कॉलेज के, यहाँ पर छुट्टियां पड़ चुकी हैं। एक नोटिफिकेशन देखने को मिल रहा है कि 1 मई से 30 जून तक आपको छुट्टियां देखने को मिलेंगी। इस बीच बहुत से सवाल निकल कर आ रहे हैं, काफी विद्यार्थी जिनके एग्जाम चल रहे हैं, काफी विद्यार्थी जिनके एग्जाम होना बाकी है, काफी विद्यार्थी जिनके प्रैक्टिकल होना बाकी है, काफी विद्यार्थी जिनके मिड टर्म एग्जाम होना बाकी है। ऐसे बहुत से सवाल जो कि यहाँ पर आने वाले समय में अप्रैल और मई के महीने में होने वाले हैं, जून के महीने में कुछ कार्य होने वाला है, इन सभी सवालों से रिलेटेड बातें आज मैं करने वाला हूँ। यहाँ पर राजस्थान यूनिवर्सिटी के फर्स्ट ईयर नॉन के विद्यार्थियों को लेकर भी बात करेंगे कि उनके भी एग्जाम यहाँ पर साथ में होने वाले हैं भैया। फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर के जो नॉन कॉलेज के विद्यार्थी हैं, राजस्थान यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों की बात कर रहा हूं मैं, इसके अलावा अन्य विद्यार्थी कंफ्यूज नहीं होंगे इस सवाल पर, ठीक है, क्योंकि उनके एग्जाम फर्स्ट सेमेस्टर के हो चुके हैं। लेकिन राजस्थान यूनिवर्सिटी के नॉन कॉलेज फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों के फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर के एग्जाम एक साथ होंगे, मई में एग्जाम होंगे, उसके बारे में भी बात करेंगे इस वीडियो में। तो बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। अन्य यूनिवर्सिटी के जो विद्यार्थी हैं, बस नोटिस को जितने सवाल लिखे हुए हैं उसके हिसाब से देखना है। और सवाल निकल के आता है जब छुट्टियां पड़ रही है कि भाई 1 मई से 30 जून तक छुट्टियां हैं, तो आप कह रहे हैं कि सेकंड सेमेस्टर एग्जाम जून में होगा, यह सवाल भी देखने को मिलेगा। और इस सवाल को भी मैंने लिखा है यहाँ पर, सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो के अंदर देखने को मिलेंगे। देखो सबसे पहले आपको बता दूं भैया, पहले वो नोटिस देख लीजिए जो कि यहाँ पर आया है कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय की तरफ से। नोटिस में क्या कहा है इसके बारे में हम बात करते हैं। कहीं पे भी विद्यार्थियों का जिक्र ही नहीं किया। यहाँ पे क्या कहा गया कि भाई प्रिंसिपल है जो कि स्टाफ को किस हिसाब से छुट्टी एडजस्ट करेंगे, किस हिसाब से उनकी ड्यूटी एडजस्ट करेंगे, वो सब चीजें हैं, विद्यार्थियों को टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। एक चीज आपको बता दूं भैया, देखो किसी भी कॉलेज का, अब मैं सभी की बात कर लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पर इसमें एक पोर्शन बना देता हूँ अलग से, इसमें बात कर लेते हैं कि भाई फर्स्ट ईयर का विद्यार्थी है, एक सेकेंड ईयर का है, एक थर्ड ईयर का विद्यार्थी है, चलो पीजी की तो यहाँ पे बात नहीं करेंगे क्योंकि पीजी के भी एग्जाम चल रहे हैं, उनका यहां से कोई मतलब भी नहीं है नोटिस से, ठीक है। फर्स्ट ईयर का विद्यार्थी यहाँ पे क्या है भैया, सेमेस्टर है इनके, सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में एनुअल है। अब एक चीज समझो कि एनुअल विद्यार्थियों की जिनके एग्जाम चल रही है तो एग्जाम लगेंगी, बिल्कुल जो चल रही है वो चलते रहेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा बात करूं कि राजस्थान यूनिवर्सिटी के फर्स्ट ईयर के रेगुलर विद्यार्थियों का एक सेमेस्टर यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, बस रिजल्ट आना बाकी, उसका आप इंतजार कर रहे हैं। सेकंड सेमेस्टर जो रेगुलर विद्यार्थियों का है वो सभी यूनिवर्सिटी की क्लासेस चालू हैं, ये ध्यान रखें, और क्लासेस चलती रहेंगी क्योंकि आपका बीच में क्या होगा भैया, मिड टर्म एग्जाम होगा। अब मिड टर्म एग्जाम होंगे, आपने देखे भी होंगे, 2 दिन पहले भी मैंने नोटिस डाला था, कल भी नोटिस डाला राजस्थान कॉलेज जयपुर का जो कॉलेज है, उससे पहले महाराजा का डाला, ऐसे सभी के अपने अपने नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेंगे, तो मिड टर्म एग्जाम भी होंगे। सवाल क्लियर करते चलते जाइए, ये सवाल हो गया कि मिड टर्म एग्जाम भी होंगे, छुट्टियां केवल नाम की है, ठीक है, एग्जाम होंगे, बिल्कुल एग्जाम जो चल रहे हैं एनुअल वालों के वो चलते रहेंगे, चाहे यूजी के हो चाहे पीजी के हो, ठीक है। बात करें मिड टर्म एग्जाम भी होंगे, जिनका सेमेस्टर है रेगुलर विद्यार्थियों के मिड टर्म एग्जाम होते हैं, अब बिल्कुल मिड टर्म एग्जाम भी होंगे। वे विद्यार्थी जो नॉन कॉलेज हैं फर्स्ट ईयर के, अब देखो यहाँ पे इस सवाल पर राजस्थान यूनिवर्सिटी को डालो क्योंकि राजस्थान यूनिवर्सिटी में नॉन कॉलेज में फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर को इंक्लूड किया एक साथ में, लेकिन शेखावटी में फर्स्ट सेमेस्टर में नॉन कॉलेज वालों का एग्जाम हो चुका, मत्स्य यूनिवर्सिटी में फर्स्ट ईयर में नॉन कॉलेज वालों का फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम हो चुका, अन्य यूनिवर्सिटी जो भी है उनमें भी एग्जाम हो चुका, लेकिन राजस्थान यूनिवर्सिटी में अभी फर्स्ट ईयर नॉन कॉलेज का सेमेस्टर का एग्जाम नहीं हुआ है। उसके लिए 2 दिन पहले नोटिफिकेशन आया था, वीडियो बना के डाला था, तो उसमें क्या कहा गया था, मई में एग्जाम होगा। तो राजस्थान यूनिवर्सिटी फर्स्ट ईयर नॉन के एग्जाम मई में होंगे, बिल्कुल होंगे, ठीक है, ये सवाल खत्म करो। यहां पर सारे सवालों पे बारीकी से चलते जाएंगे। अब छुट्टियों में क्लासेस, अब देखो वे विद्यार्थी जो फर्स्ट सेमेस्टर से सेकंड सेमेस्टर में गए हैं, जिनके भी कॉलेजों में यहां पर नोटिफिकेशन आया हुआ है, जो मान लो जिनके एग्जाम हो चुके हैं, जैसे राजस्थान यूनिवर्सिटी में भी हो गया भाई, शेखावटी में फर्स्ट सेमेस्टर खत्म हो गया, और बात करूं मत्स्य में भी हो गया। अब अगला सवाल है कि भाई सेकंड सेमेस्टर की क्लासेज, देखो नॉन कॉलेज की कोई क्लासेज नहीं होती, रेगुलर की बात कर लेते हैं यहाँ पर, तो रेगुलर की सेकंड सेमेस्टर की क्लासेज जो चल रही है वो चलती रहेंगी, ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से, क्योंकि जब मिड टर्म एग्जाम हो रहा है, एग्जाम हो रहे हैं, तो क्लासेज भी एडजस्ट करेंगे क्योंकि समय पे सिलेबस भी पूरा करवाना है, बाकी चीजें भी होंगी। और फर्स्ट ईयर नॉन, ये राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर की बात कर रहा हूं मैं, इसके अलावा कोई भी विद्यार्थी शेखावटी वाला परेशान मत होना इसमें, ना मत्स्य वाला हो ना बीकानेर वाला, इन सभी में परेशान नहीं होने की आवश्यकता नहीं है, ये राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर की बात हो रही है, ठीक है। इनके फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर के एग्जाम नॉन के एक साथ होंगे और मई में एग्जाम होंगे, 2-4 दिन पहले ही आपको वीडियो बनाकर डाल दिया था, नोटिफिकेशन आपको दिखा दिया था, उसमें सारी चीजें बता दी थी। अब सवाल आ रहा है कि भाई फर्स्ट सेमेस्टर से रिलेटेड, क्लासेस से रिलेटेड सभी चीजों पर बात हो चुकी, अब सेकंड सेमेस्टर, अब देखो यहां पर क्या कहा है कि 30 जून तक,
अब सवाल निकल के आता है कि भाई सेकंड सेमेस्टर फिर कब होगा, अगर 30 जून तक छुट्टियां हैं तो सेकंड सेमेस्टर जून में ही होगा, ये ध्यान रखें, जून में ही होगा सेकंड सेमेस्टर। बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, अपनी तैयारी जारी रखेंगे, पढ़ाई करते रहेंगे, आने वाले समय में जैसे ही इसके टाइम टेबल वगैरह हुआ, अभी तो फोरम से रिलेटेड अपडेट आएगी, उसके बाद मिड टर्म रहेगा, उसके बाद में और भी बाकी जो प्रोसेस है वो सारी होंगी, जैसे जैसे नोटिफिकेशन आएंगे अपना फोकस क्या करना है आपको ध्यान रखें। सबसे पहले तो आपको बता दो, जिस भी यूनिवर्सिटी के आप विद्यार्थी हैं, सेकेंड सेमेस्टर किसकी बात कर रहा हूं मैं, यहाँ पर राजस्थान यूनिवर्सिटी के रेगुलर विद्यार्थियों की और बाकी जितनी भी यूनिवर्सिटी है उनके सभी के विद्यार्थियों की बात यहाँ पर हो रही है, ठीक है। नॉन वाले राजस्थान यूनिवर्सिटी के इसमें शामिल मत होना क्योंकि वहां पे दोनों का एक साथ है, ठीक है, बाकी सभी की बात यहाँ पर हो रही है, केवल राजस्थान यूनिवर्सिटी फर्स्ट ईयर नॉन को हटा के। इनके एग्जाम जून में होंगे। अब क्या करना है भैया, सिलेबस उठा लीजिए, फर्स्ट सेमेस्टर आपने कंप्लीट कर लिया है, सेकंड सेमेस्टर का सिलेबस उठाइए, उसके हिसाब से टॉपिक वाइज पढ़ाई करते रहिए, जैसे रिजल्ट आएंगे जिन जिन यूनिवर्सिटी के उन सभी के बारे में बात हम करते रहेंगे, जो रिजल्ट आए हुए हैं ध्यान रखें उनके बारे में ऑलरेडी आपको बता दिया था, कहीं समस्या लगती है रिजल्ट में कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो सीधे इंस्टाग्राम पर चले आएंगे, 24 घंटे के अंदर आपको जवाब देखने को मिलेगा। आने वाले समय में देखो यहाँ पे जो नोटिस आया है पोली शिक्षा का, उसमें कुछ बातें कही गई है वो आपको बता देता हूँ। आप देखिए दूसरा जो पैराग्राफ इसमें दिया हुआ है ध्यान रखें कि प्रदेश के विभिन्न विश्वविद्यालयों द्वारा प्रथम वर्ष से सेमेस्टर प्रणाली लागू की गई है, अतः ग्रीष्मावकाश अवधि के दौरान सेमेस्टर का अध्यापन कार्य यानी सेमेस्टर की क्लासेज, ठीक है, बात आ गई सेमेस्टर के क्लासेज से रिलेटेड। दूसरा क्या लिखा गया है, सेमेस्टर परीक्षा कार्य, सेमेस्टर की एग्जाम भी होंगी, वो जून वाली बातें आ गई, और मिड टर्म एग्जाम भी उसमें शामिल होता है रेगुलर विद्यार्थियों का, ठीक है। इसके बाद आता है कि वार्षिक परीक्षा जो कि एनुअल विद्यार्थी है सेकंड ईयर थर्ड ईयर वाले, वो भी आ चुका है इसमें, ठीक है। और बात करें आगामी अकादमिक सत्र के प्रवेश कार्य यानी कि 12th के रिजल्ट आने के बाद में जो विद्यार्थी अपना फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेंगे तो उनके लिए स्टाफ वहां पर भी अवेलेबल रहेगा। तो इस तरीके से नाम की छुट्टियां हैं, केवल आपको पढ़ाई करनी है, फर्स्ट सेमेस्टर से रिलेटेड है तो सेकंड सेमेस्टर की तैयारी करें, सेकंड थर्ड ईयर में है तो अपने एग्जाम चल रहे हैं एग्जाम दीजिए भैया, अभी एग्जाम चल रहे हैं थोड़े दिनों में प्रैक्टिकल का नोटिस आ जाएगा, और यहाँ पे पीजी के एग्जाम चल रहे हैं पीजी के एग्जाम चलते रहेंगे, प्रैक्टिकल के नोटिस आएंगे और मिड टर्म एग्जाम के नोटिस आएंगे, फर्स्ट सेमेस्टर है यहाँ पर फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर के रेगुलर विद्यार्थियों के, और राजस्थान यूनिवर्सिटी फर्स्ट ईयर नॉन एग्जाम ये मई में होंगे और सेकंड सेमेस्टर एग्जाम जून में होंगे। कहीं कोई कंफ्यूजन की आवश्यकता नहीं है, सारे सवालों को लिखकर एक बार समझा दिया, बस देखने की आवश्यकता होती है पूरा वीडियो, अगर काट काट के देखेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे और इंस्टाग्राम पर उसका जवाब भी नहीं मिलेगा ना ही कमेंट में जवाब मिलेगा क्योंकि आप वीडियो नहीं देखते हैं, ठीक है। जुड़े रहेंगे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें, पूरा वीडियो देखा करें और जो भी विद्यार्थी से जुड़े हुए हैं उन तक शेयर किया करें। थैंक यू।